अलगम मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोई अशरफ है वीडियो का मौजू है अगर कुछ मदर्स को इशूज़ हैं कोई भी एक्स वाई जेड इशू है जिसकी वजह से वो लेटेक्टिंग मदर नहीं बन पा रही यानी कि बच्चों को अपना दूध नहीं पिला पा रही ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही तो ऐसे में बच्चों को कौन सा दूध दिया जाए हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में सत्तर फीसद हिस्सा दही इलाकों का है यानी कि रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट बने हुए हैं वहाँ पर गाय के दूध और बकरी के दूध पिलाने का रिवाज है बच्चों में तो बहुत सारे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो बच्चों को ये एडवाइस कर रहे होते हैं यानी कि अपने बहू बेटियों को ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे को गाय का दूध लगा दें एक साल से भी कम उम्र में यानी कि अगर चंद महीने बच्चे ने माँ का फीड लिया उसके बाद मदर फीड में कोई इश्यूज़ है वैसे तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मदर फीड से अच्छा कोई फीड नहीं है मदर फीड इज़ द बेस्ट फीड फॉर एनी किड अप टू वन एंड हाफ ईयर ऑफ एज एक से डेढ़ साल की उम्र तक तो लाजमी मदर फीड दें छः महीने तक तो एक्सक्लूसिव मदर फीड दें छः महीने तक तो बच्चे की डाइट ही सिर्फ मिल गए और वो अगर मदर फीड के फॉर्म में मिल रहा है तो बेस्ट है उससे अच्छा कुछ नहीं लेकिन अगर कोई एक्स वाई वाइजेड इशूज़ हैं जिसमें आपने फिर मदर फीड के अलावा अल्टरनेटिव फीडिंग ऑप्शन पर सोचना है तो उससे उसके उसका जो अल्टरनेटिव फार्मूला फीड एज अप्रोप्रियट फार्मूलाज ये फार्मूला वन जो होता है वो जीरो टू सिक्स मंथ्स ऑफ एज के बेबीज़ के लिए होता है पैदाइश से लेके छः महीने तक के बच्चों के लिए फार्मूला वन होता है किसी भी अच्छी कंपनी का अब मैं यहाँ पे कोई खास कंपनीज रिकमेंड नहीं करूँगा बहुत सारी मल्टानेशनल कंपनीज़ हैं और जिनका दुनिया भर में नाम है वो फार्मूला मिल्क बना रही हैं हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी टू हंड्रेड ईयर्स की रिसर्चेज है नेस्ले जैसी कंपनी जो डेढ़ सौ दो सौ साल से काम कर रही है और कंटिन्यूसली अपने आप को उसने रिसर्चेज में इन्वॉल्व रखा हुआ है तो वो मतलब वो कंपनीज कुछ कर रही है ना उन्होंने बच्चों के न्यूट्रिशन के हवाले से ये सारी चीज़ें क्रैक डाउन की हुई हैं ना कि मदर फीड का कंपोजिशन के फॉर्मूला फीड में इसेंशियली वो वाइटामिन मिनरल्स वो, वो न्यूट्रीन्स ऐड किए जाते हैं जो बच्चे की उस एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं ऑन uh, ऑपोजिट अगर आप देखेंगे काऊ मिल्क बच्चों को जो एडवाइस किया जाता है काउ मिल्क एक साल की उम्र से कम तो बिल्कुल ही मना किया जाता है कि बिल्कुल ना दें लेकिन मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है मैं तो तीन चार साल की उम्र से कबल काऊ मिल्क देने का बिल्कुल कायल नहीं हूँ क्यों वजह मैं आपको बताता हूँ काउ मिल्क जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज करने का सबसे बड़ा कॉज़ है यानी बच्चों के खून में जो आयरन की कमी होती है उसके सबसे बड़ा रीज़न आयरन आयरन डिफिशेंसी का काउ मिल्क है और गोट मिल्क अगर आप ऐड कर लें बकरी का दूध तो उसमें तो फॉलिक एसिड और बी ट्वेल्व की भी कमी हो जाती है आयरन के साथ साथ वो फॉलिक एसिड बी ट्वेल्व की भी कमी करवा देता है बच्चों में गोट मिल्क तो आ, बिल्कुल इस लिस्ट में भी नहीं है कहाँ और बुफेलो मिल्क भी मैं बिल्कुल नॉन रिकमेंडेड मिल्क में रखता हूँ और सारे पेडियाट्रिशन्स मना करते हैं सब कहते हैं कि एक साल से कम उम्र बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दें लेकिन मैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझ जैसे कुछ और पीडियोट्रिशन हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं वो कहते हैं कि तीन से चार साल की उम्र तक बच्चों को काउ मिल्क बिल्कुल ना दें काओ या बुफैलो मिल्क क्यों वजह वजह ये है कि बच्चों की जो डाइट होती है वो छठे महीने से स्टार्ट हो जाती है सॉलिड डाइट की तरफ बच्चे सॉलिड डाइट लेना शुरू करते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बच्चों की डाइट इतनी प्रॉपरली नहीं दी जाती मदर्स की जो है केयरलेसनेस भी इसमें शामिल है कि बच्चा खाने पीने में ज़िद कर रहा होता है तो उसमें मेहनत नहीं की जाती उसको दूध दे के बहलाया जाता है कि चलें दूध तो पी रहा है ना सही है तो बच्चा एक साल तक प्रॉपर डाइट लेना शुरू नहीं कर, कर, करता हमारे यहाँ और जो डेढ़ दो साल की उम्र में जो बच्चों की जो डाइट रिक्वायरमेंट होती है जिस तरह उनको के मील्स देने चाहिए और टेबल पे जिस तरह उन्हें खाना खिलाना चाहिए हमारे यहाँ बच्चे वो खाना नहीं खा रहे होते उस तरह तो उनकी प्रॉपर डाइट जो मिल्क से ही कवर हो रही होती है इन इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ एक साल दो साल की उम्र में तो बाकायदा बच्चा दूध पे ही प्राइमरी तौर पे फोकस कर रहा होता है और उसी से उसकी डाइट कवर हो रही होती है खाना पीना बराए नाम लेता है वो शौक से खाता है कुछ खाया कुछ नहीं खाया कुछ भाग गया तो इसमें बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एक से दो साल और तीन साल की जो उम्र होती है ना इवन पाँच साल के जो शुरू के फर्स्ट फाइव ईयरस ऑफ लाइफ हैं वो स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं तो अगर उसमें बच्चों की ग्रोथ उस पैटर्न पर ना We तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे ब्रेन डेवलपमेंट का जो नेगेटिव वे में जा रहे होते हैं तो उसकी कमी का शिकार रह जाते हैं फिर वो पूरी ज़िंदगी उनका वो आई क्यू डेवलप नहीं हो सकता पूरी ज़िंदगी उनकी वो वाली मेंटल कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं हो सकती जो उस पाँच शुरू के पाँच सालों में हो सकती थी अगर उनको अच्छी न्यूट्री न्यूट, न्यूट्रिशनल डाइट दी जा रही होती या बैलेंस डाइट वो ले रहे होते जिसमें सारे इसेंशल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते उन्हें अलॉन्ग विथ मल्टी वाइटामिनस एंड अलॉन्ग विथ आयरन तो ये सारी चीज़ें जो फॉमूला मिल्क बनाने वाली कंपनी वो फोकस कर रही होती हैं वो इतना खर्चा इसलिए करती हैं और वो इतना महंगा दूध इसलिए बेच रही होती हैं कि उनमें वो चीज़ें होती हैं और उन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं उन वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि बच्चों की खास ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं पाकिस्तान में मेल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको किस तरह ख़त्म करना है उसमें कुछ स्टेप्स जो हैं उनमें न्यूट्रिशन के हवाले से जो गाइडेंस दी जा सकती है आवाम को ये वीडियो उन्हीं में से एक स्टेप के हवाले से तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी अपना ख्याल रखें और इनशाला नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे थैंक यू